केशव जी, जब तक आप सक्रिय राजनीति में रहेंगे, एक ट्वीट आपका हमेशा पीछा करता रहेगा कि संगठन सरकार से बड़ा है। ये जो ट्वीट किया था, किसको संदेश देने के लिए किया था और क्या सोच के किया था? और ये यूपी में ही लागू होता है कि केंद्र के लिए भी है? नहीं, देखिए, एक बात आप सदा ध्यान में रखें कि संगठन सर्वोपरि है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, सरकार की किसी जिम्मेदारी में हम बाद में हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारा संगठन सर्वव्यापी है, हमारा संगठन सर्वस्पर्शी है, हमारा संगठन सर्वग्राही है और हमारा संगठन सर्वोपरि है। इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और इस विषय को लेकर के जो मतलब ट्वीट को चर्चा बनाए लोग, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक संगठन का कार्यकर्ता और संगठन के कार्यक्रम में अगर कुछ बोलेगा तो उसकी लाइन, अब मैं एक बार नहीं, ये तो संगठन सरकार से बड़ा है, मैं कम से कम सैकड़ों बार बोल चुका हूं। केशव जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप सारी बातें समझते हैं, सब बात जानते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करते हैं और हर बार आप कहीं ना कहीं रह जाते हैं। पार्टी अध्यक्ष भी नहीं बनाया आपको? आप पार्टी अध्यक्ष बनाना न बनाना, ये तो मैंने आपको कहा जो अधिकार केंद्रीय नेतृत्व का है और वो हमको कहे कि केशव जी आपको पार्टी का संगठन का काम करना है, पार्टी के मंडल अध्यक्ष का काम करना है, सरकार का काम करना है, जो भी काम, हम तो एक संगठन के एक समर्पित सिपाही हैं और जीवन के अंतिम श्वास तक संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करते रहेंगे। सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी, सरकार में करेंगे, संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन में करेंगे। और जब जो बताया गया है काम, वो मैंने किया है और कभी आधे मन से नहीं किया है, मैं पूरे मन से काम करता हूँ, पूरे समर्पण भाव से काम करता हूँ और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।